ऑलराइट गाइस, इट इज टाइम फॉर डंकीज आस्क एसआरके। जी हाँ, जो सरप्राइज हमारे को शाहरुख खान द किंग खान दे सकते हैं ना, वो कोई और नहीं दे सकता। और जैसे प्रमोशंस किंग खान करते हैं, वैसे कोई और हैंडल भी नहीं कर सकता। इट इज ओनली एंड ओनली शाहरुख खान हु कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रमोशन फॉर हिज फिल्म्स एंड येट मेक देम कलेक्ट 1500 करोड़ वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, क्या आज का आस्क एसआरके रहा, इतना मजेदार, इतना चटपटा बोल सकते हैं हम इसको, इतना जबरदस्त रहा। एक तो एक सरप्राइज फैक्टर हर बार फैंस को मिलता है, और ये 15-20 मिनट का बोल के कम से कम एक घंटे का आस्क एसआरके होता है। तो कुछ हाइलाइट्स हैं जिनके बारे में बात होगी इस वीडियो में, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि डंकी के बारे में क्या एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो है वो हमारे को मिल चुकी है वाया दी आस्क एसआरके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी बातें हो रही थी, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डंकी से रिलेटेड थी थोड़ी बहुत। और ये जो सॉन्ग आया था Drop 3, घर हम निकले थे अभी हम घर से, और ये वाला जो सॉन्ग है, इस वाले सॉन्ग के बारे में, और इसको ही ट्रिब्यूट देने के लिए शाहरुख खान ने ये जो आस्क एसआरके है ये किया था। कह सकते हो कि करीब करीब एक घंटे पहले का ये आस्क एसआरके है, जिसमें लोगों ने सबसे पहले पर्सनल जो मजाकिया क्वेश्चंस हैं वो पूछने शुरू किए, जिसमें किसी ने पूछा ब्रेकफास्ट किया भाई, एंड ही सेड नहीं सीधा लंच करूंगा। कैन यू इवन इमेजिन, ऐसे सवाल जो जो लोग पूछते हैं उन पर जवाब जब आता होगा, फैंस की क्या हालत होगी, होती होगी खुशी के मारे। उसके बाद किसी ने लिखा कि हाउ मच डिड यू नो अबाउट दिस डंकी थिंग बिफोर डूइंग दिस फिल्म, एंड व्हाट फैसिनेटेड यू मोस्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट टू विच ही अप्लाइड। एक्चुअली हार्डली एनीथिंग, राजू एंड अभिजात ब्रॉट इट टू माई नॉलेज, इट्स फैसिनेटिंग, डेंजरस एंड क्वाइट एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। मतलब उन्होंने ये बोली है बात साफ तौर पर कि उनको पहले से नहीं पता था डंकी की क्या लाइन होगी, थीम होगी, बस सिर्फ और सिर्फ राजकुमार हिरानी पर उन्होंने ट्रस्ट करके ये जो प्रोजेक्ट है किया, एंड वी नो दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सो फिर उसके बाद किसी ने पूछा था स्टोरी, द इमोशंस और द कॉमेडी, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डंकी आर यू मोस्ट एक्साइटेड फॉर ऑडियंस टू सी। ही सेड इट्स अ वेरी फनी एंड एक्सट्रीमली इमोशनल ब्रांड ऑफ सिनेमा, राजू हिरानी ब्रांड ऑफ सिनेमा। तो हमें सबको पता है राजू हिरानी के ब्रांड की जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्यारी और सबसे ज्यादा एक एवरग्रीन फिल्म जो है वो 3 Idiots है। वो फिल्म किसी को भी, मतलब जीरो हेटर्स मूवी है वो, उसका कोई हेटर नहीं होगा। मुझे लगता है हर बंदे को फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आती होगी, अभी भी लोग देख सकते हैं उसको। तो ऐसा कुछ हमको डंकी में देखने को मिल सकता है। तो किसी ने पूछा व्हाई आर यू सो डाउन टू अर्थ एट दिस पोजीशन, जिस पर उन्होंने लिखा इस धरती पे जन्मे हैं, इस धरती पे मरना है। जो जो उनकी जो लाइंस हैं इस वाले सॉन्ग की, वो कहीं कहीं पर उन्होंने यू नो स्लिप इन कर दी। एंड देन ऑफकोर्स सॉन्ग के बारे में बात हुई, कुछ इधर उधर की बातें हुई, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो ये था, यू मेड अस सो इमोशनल विद दिस सॉन्ग, व्हाट्स योर इमोशनल वीक पॉइंट। एंड ही सेड माई फैमिली आई गेस, इजंट दैट फॉर एवरीवन। यहाँ पे मुझे एक वाक्य याद आता है, एक टाइम याद आता है शाहरुख खान की लाइफ का, जो रीसेंट अभी का टाइम है, विच आई डू नॉट वॉन्ट टू कोट, बट यू नो यू अंडरस्टैंड आप किस टाइम की बात, मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ। ये वो समय है जब इमोशनली सबसे ज्यादा ड्रेंचिंग और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम था फॉर एसआरके, और फैमिली से रिलेटेड ही कुछ यू नो टर्बुलेंसेस हुई। उस वक्त पर अपने आप को सॉलिड रखना, उस वक्त पर भी काम करते थे, उस वक्त पर भी शूट करते थे, और उस वक्त पर भी इतना कन्विक्शन रखना दैट आई विल बी बैक। और फिर हमने वो वाला डायलॉग भी जवान में जो सुना था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किसी के साथ ये रोज चलते फिरते नहीं होता लोगों के साथ, जो शाहरुख खान के साथ हुआ। एंड उसको जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है, उसको जिस यू नो ग्रेस के साथ फिर वो आगे बढ़े हैं, हेटर्स कह लो या कह लो भी जो लोग नेगेटिव सोचते थे या यू नो वट एवर इट इज, उस टाइम पर जो भी था, सबको एक अपने काम से जवाब देना, सक्सेस से जवाब देना आसान नहीं था। इसीलिए ये फैमिली वाला वीक पॉइंट जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सवाल किसी ने जो पूछा था। फिर कई लोगों ने अपने अपने पोस्टर्स भी शेयर किए हुए हैं। अब इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि डंकी के लिए कुछ पैसिव लोगों को कैसे कन्विंस करें। पैसिव लोग मतलब वो जो कि एंटी रहते हैं, मतलब हमको नहीं देखना या यू नो पैसिव लोगों को कैसे कन्विंस करें, ट्रेलर भी नहीं ला रहे आप, बीवी भी अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जिस पर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बीवी है, फिल्म इंटरेस्टेड नहीं होती तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज शी इज इंटरेस्टेड इन यू दैट्स इंपॉर्टेंट। सो कम बैक जो होते हैं ना शाहरुख खान के, वो तो यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किसी ने पोस्टर शेयर किया हुआ है, ये वाला पोस्टर, एंड जस्ट लुक एट द गन्स। मतलब तीनों फिल्में, तीनों में जो गन्स है ये उन्होंने, मतलब ही सेड आई एक्चुअली रियली लाइक दिस, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो के हाथ में जब गन आती है तो वो इमोशन ही एक डिफरेंट यू नो लेवल पर चला जाता है। देन दिल्ली के बारे में बात हुई कि क्या सर द सॉन्ग मेड मी रिमेंबर माई होम, डिड यू फील द सेम वेन यू हर्ड इट फर्स्ट। सबको पता है शाहरुख खान इज अ डेली बॉय, सो यस इट रियली मेक्स मी थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, माई डेली डेज, फ्रेंड्स मेड इन लॉस्ट इन टाइम, वेरी इमोशनल। इसके बाद मतलब फिर वो थोड़े फिलोसॉफिकल वाले टेंजेंट में चले जाते हैं ना, कई सारे फ्रेंड्स जो हैं, कई सारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं। तो किसी ने पूछा सर मम्मी पापा को डंकी पसंद आएगी, आएगी ना।
जिस पर उन्होंने बोला बेहद पसंद आएगी, दे विल से व्हाई आर मोर फिल्म्स मेड लाइक दिस होपफुली। मतलब इस वक्त पर ये है बात कि जब हम देख रहे हैं ये दौर चल रहा है एक्शन मूवीज का, ये दौर चल रहा है बहुत सारा हमने देखा ये अभी इस साल में, कितना एक्शन देखा है, कितना एक्शन देखा है। दिस मूवी इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर, जिसमें हमारे को बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी, फैमिली का प्यार, दुख दर्द दर्द तकलीफ याद, यू नो सब कुछ चीजें जो है वो आएंगी, कॉमेडी ह्यूमर हमको देखने को मिलेगा। सो इट विल जस्ट बी लाइक अ वार्म हग। और मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मुझे ऐसी फिल्मों का, मतलब आई एम मोर ऑफ अ दीज मूवीज फैन एज कम्पेयर टू एक्शन। ऑफकोर्स एक्शन भी देखा है और बहुत पसंद भी किया हमने एक्शन शाहरुख खान का, बट शाहरुख खान व्हेन इट कम्स टू हिम आई थिंक लव एंड पैशन एंड यू नो दिल से जुड़ी हुई जो कहानियां होती हैं वो शाहरुख खान से बेटर कोई भी नहीं कर सकता। सो फिर ये फाइनली काफी सारे और क्वेश्चंस जो है वो चलते रहे, बट हाँ सारे हाइलाइट्स जो थे वो यही थे कि फिल्म जो है और जो सॉन्ग है ये हमारे को एक इमोशनल जर्नी पर लेकर जाने वाली है। सो अभी से जस्ट 5 मिनट पहले ये आज के साथ ही खत्म हुआ, 1 घंटा तक चलता रहा, बट दिस वॉज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर द फैंस। अब सुनने में आ रहा है 7 तारीख को आएगा ट्रेलर डंकी का, जिसका फैंस और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, बट मुझे लगता है अब जल्दी आने वाला है। तो क्या लगता है आपको आज कैसा के कैसा लगा सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको ट्रेलर का कितना इंतजार है ये भी बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिस कॉल्स फॉर फंक्शन।